गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे वीकेंड की शुरुआत हो रही है बहुत ही पॉजिटिव नोट पे। आज हमारी फैमिली में है गुरुजी का सत्संग, तो हमें बस मॉर्निंग में फटाफट से वहाँ पहुँचना है। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई निकलने से पहले, क्योंकि विनायक के हो गया था स्टमक एक। पहले तो ठीक लग रही है तबीयत? नहीं, अभी थोड़ा बेटर है, पर इतना बेटर नहीं। ग्रीन टी ग्रीन नहीं होती है, ग्रीन टी ग्रीन। पेट दर्द हो रहा है पापा का, लिमिट में खाना चाहिए। चलो ये पी लो ग्रीन टी बेटा, आप रेडी हो फिर जाना है। चलो बच्चे, विनायक ने तो ग्रीन टी पी ली थी। नीर के लिए मैंने बना दी थी फटाफट से हॉट चॉकलेट, अपने लिए कॉफ़ी और साथ ही में बन मस्का। जब सुबह सुबह कहीं भागना होता है तो ये हमारा टू क्विक ब्रेकफास्ट है। बस फ्रूट बंस में थोड़ा सा बटर लगाया, साथ में बनाई चाय या कॉफ़ी, नीर के लिए हॉट चॉकलेट और हमारा हो गया था ब्रेकफास्ट। ये लो, जाने से पहले चश्मा साफ कर दूंगी, ये पहन लो अभी मैं आपके, और ये हॉट चॉकलेट इसमें से ले लेना, ठीक है? ग्रीन टी और टी में क्या फर्क होता है? ग्रीन टी हेल्दी होती है, वो मीठा डलता है नहीं। फिर ग्रीन टी ग्रीन क्यों नहीं होती? गूगल में चेक करके बता दूंगी। कुछ और नाम दे सकते, ग्रीन टी। फाइनली ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम जल्दी से चल पड़े गुरुजी के सत्संग में। विनायक की भी तबीयत बेटर हो गई थी, गुरुजी का सत्संग अटेंड किया और लास्ट में गुरुजी का हमने किया शुक्राना मामी के साथ मिलके उनकी ब्यूटीफुल वॉइस में। बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग के साथ हम चल पड़े वापस घर की तरफ। आप देख लो फिर, आप तंग कर रहे हो ना। और क्या शरारत मैं कर सकता हूँ, यही कर रहे हो। डिफरेंट तरीके के बनेंगे, शेप छोटी सी हो जाएगी, चम्मच से खा सकते हो। बेबी पास्ता, बेबी पेने पास्ता। क्या हुआ? ये ना ऐसे ओवर एक्ट कर रहे ताकि इन पर इम्पोर्टेंस जाए और सब इनका उससे हो। अब देखो क्या उन्होंने पास्ता का पास्ता बन रहा है, मेरे को आपने मटर पनीर कहा था वो नहीं बन रहा। पापा नहीं खाते ना बेटे वो पास्ता, उनका नहीं है मटर पनीर खाने का मन। जो पापा का मन है वही बनेगा। पापा का मन है सिर्फ दाना खाने का, तो आप खाओगे? खाने की बात करूँ, फालतू बात नहीं कर रही मैं। उनका थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो जो उनका मन करेगा वही बनेगा। आई मेरे को भी ठीक नहीं लग रही है। कर लो, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता। कपड़े सीधे पहने हैं? सीधे पहने हुए हैं। मुंह बाहर निकालो अपना। नहीं, इसमें ना सारी जगह दे रखी है, इन्हीं जगहों पे वर्कशीट करने। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वर्कशीट आपको कुछ वैसे तो नहीं है कि मार्क मिलेंगे? मार्क्स दूंगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी जो गलती होगी। अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि आपको कितना आता है खुद से। मैं चेक करूंगी कि आपका बिना प्रिपरेशन के कितने मार्क्स आए हैं। आज डिनर में मैंने बनाया था बिल्कुल देसी स्टाइल का मिनी पेने पास्ता। पानी को मैंने बॉईल कर लिया था थोड़े से ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाल के, और फाइनली इसमें मैंने डाल दिया था मिनी पेने पास्ता। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया था, लेकिन था बिल्कुल देसी स्टाइल। और नीर को कोई भी वेजिटेबल नहीं खानी थी, तो बस मैंने सिर्फ तड़का लगाया था अदरक और लहसुन का, और साथ ही में मैंने डाल दिए थे प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुना था मैंने, थोड़ा सा भुना, और इसमें डाल दी थी मैंने देगी मिर्च कलर के लिए, और साथ ही में चॉप्ड टमाटर। मसालों में मैंने डाला था नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से सबको मिक्स किया और इसको मैंने रख दिया था भुनने के लिए। फाइनली मसाला सारा भुन गया था, इसमें मैंने डाल दिया था पेने पास्ता और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था मसाले के साथ। आज इसमें मैंने दिया था थोड़ा सा ट्विस्ट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था शेजवान सॉस इंस्टेड ऑफ पास्ता सॉस। आप भी कभी पास्ता बनाएं तो ये वाली सॉस डाल के देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया था एक चीज़ स्लाइस और साथ ही में थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। सबको किया अच्छे से मिक्स और बहुत ही बढ़िया सा देसी स्टाइल पेने पास्ता हो गया था रेडी। आ जाओ, एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह दिखनी चाहिए ना।
वो दिखती ही है, वो पिघल जाती है। वो पास्ता ही तो है, वो बस मिनी पास्ता है बस। हाँ, साइज छोटा ताकि आराम से खाया जाए। टेस्ट तो अलग नहीं है ना। अब मैंने उसमें ना अजय चेंज करा, खा के बताओ। अलग है थोड़ा, अलग है ना। क्या चेंज किया? पास्ता सॉस की जगह मैंने इसमें डाला शेजवान सॉस। मम्मी ये क्या करते हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ अभी कहते टेस्टी है और अब कह रहे हो क्या करते हो, ना बताती तो। पनीर को पास्ता सॉस, झूठ बोला था मैंने, पास्ता सॉस ही डाल दिया। मैं चेक करना चाहती थी कि आपको कुछ समझ भी है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी। मैं बस ये कह रही हूँ कि सिली मिस्टेक्स करना ना छोड़ दो। ओके। आपको बिट्रे किसने किया फिर? आपके दोस्त ने। वो थोड़ी सी कट्टी होगी तो उसको बिट्रे थोड़ा ना कहते, थोड़ी कट्टी होगी तो होगी। इसे बिट्रेयल का क्या मतलब, इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। बिट्रेयल काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, बिट्रेयल की कोई बात नहीं। उसकी जीएफ ने उसको धोखा दे दिया था। जीएफ भी होती है आप लोगों की? उसकी इमेजिनरी जीएफ है। आपकी तो असली लग रही है मुझे। कोई नहीं, चिया वाली बुक लेके गया था ना, तो उसने उसमें चिया देख ली, उसको पसंद आ गई थी। द बिट्रेयल ऑथर नील कोहली। क्या बिट्रेयल हो रखा, मेरे को पता तो चले किसने आपको बिट्रे करा, दोस्त ने ऐसा क्या करा? तो बिट्रेयल किसने किसका करा, मेरे को समझ तो आया। उसकी इमेजिनरी जीएफ ने उसको बिट्रे किया। तो उसकी कहानी लिख रहे हो आप? हाँ। नहीं मेरे को समझ आ गई है बात, मेरे को नहीं सुननी और बात, वेली बातें। कब तक बुक कंप्लीट करोगे? फिफ्थ से आने से पहले। मेरे को तो लगा एक दो दिन में कंप्लीट करके मुझे दिखा दोगे। चलो लिखो फिर, मेरे को भी मजेदार लग रही है, देख पढ़ूंगी फिर मैं। पास हम दोनों फिफ्थ में आ जाए, आ जाओगे पढ़ाई करोगे, पास तो हो ही जाओगे। नहीं हम दोनों में आ जाए, मतलब फिफ्थ में तो आएंगी। हाँ। पर साथ आ जाए, एक ही क्लास में हो जाओ। हाँ, मतलब दिस इज अ स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, स्टोरी ऑफ बिट्रेयल। नहीं नहीं ये निकरियां नहीं चलेंगी, बस हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस ऐसे ही था आज का हमारा पॉजिटिव सा डे।